ममता की तारीफ ना पूछ, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। माँ अपनी औलाद को सब कुछ सिखाती है सिवाय अपने बगैर जीने के। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। कदर माँ की अगर कोई जान ले तो अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पांव भी तब तेरे अपने ना थे। तेरी आंखों में दुनिया के सपने ना थे, तुझको आता सिर्फ रोना ही था। दूध पी के काम तेरा सिर्फ सोना ही था। तुझको चलना सिख था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। जिन्होंने की जिंदगी औलाद पे निसार, जो है माए उनको सलाम करता हूँ। मेरी माँ ने बताया, बेटा जब तू पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, जूम उठी थी, तुझे जूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, मर जाती हूँ। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्करा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। भला माँ का भी कोई दिन होता है, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। लाख गिर्द अपने हिफाजत की लकीरें खींचो, एक भी उनमें से माँ की दुआओं जैसी नहीं। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती हैं, इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती हैं। काश ये खुशियां भी बिकती होती, खरीद लाता सब की सब अपनी माँ के लिए। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफा मरवा को हज को रुकन बना दिया। जो माँ से महरूम हो जाते हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया और जिंदगी के मायने उनके लिए कैसे तब्दील हुए। माँ वो हस्ती हैं जिसकी दुआओं में अल्लाह की रहमत बरसती है। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है। वो बोली, दरिया अगर सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। दुनिया में हमेशा रहने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का है, जो तकलीफ बर्दाश्त करती हैं मगर औलाद को सुख पहुंचाती हैं। मैंने माँ से पूछा, कब तक अपने कंधे पर सर रखने देगी। माँ मुस्कुराई और कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। माँ बाप से आपका सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं मगर आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है।
माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हला देगी। माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पे ना आजमाएं जिसने आपको हरफ हरफ बोलना सिखाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी और बदसलूकी को हराम कर दिया है। खोल दे ए बेटा, मुझ पे बंद ना कर ये दर बेटा, मैंने बरसों तुझे संभाला है, जाने कितने दुखों से पाला है, तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है, मैं तो माँ हूँ ना बद्दुआ दूंगी, तुझको जीने की बस दुआ दूंगी, बस दुआ दूंगी। इश्क दी सूली ओही चढ़िया जिसने अपनी मैं नू पढ़िया, नफ्स अपने नल ओही लड़िया जेड़ा इश्क दी अग विच सड़िया। पांच वेले दी पाकी बन गई नफ्स मेरे दिया जंजीरां, इश्क हकीक दा चूला पाया ते लथियां फरेब दिया लीरां।